हालेलुया। आज की इस वीडियो में हम लाए हैं तीन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो सभी मसीह भाई बहनों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जिन मसीह भाई बहनों को प्रार्थना करने में मुश्किल आती है, या प्रार्थना करते समय वो प्रार्थना विषय भूल जाते हैं, या फिर उनको समझ नहीं आता कि प्रार्थना कैसे करें, तो आप हमारी पिछली वीडियो को देखें। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि वह कौन से तीन टॉपिक्स हैं जो सभी मसीह भाई बहनों को जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टॉपिक है, परमेश्वर से प्रार्थना क्यों करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करें, उससे बात करें, यह हम कैसे जानते हैं। फिलिपियों 4:6-7 में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आप जरा सोचिए, यह कितना प्यार भरा न्योता है। पूरे जहान का महाराजा आप में गहरी दिलचस्पी रखता है। वह चाहता है कि आप उससे बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं और किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। प्रार्थना हमें परमेश्वर से गहरी दोस्ती करने में मदद देती है। जब दो दोस्त हर रोज़ बात करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि वे क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और उनकी चिंताएं क्या है, तब उनकी दोस्ती और भी गहरी होती जाती है। परमेश्वर से प्रार्थना करने पर भी यही होता है। उसने बाइबल के जरिए हमें अपनी सोच और भावनाएं बताई हैं। उसने यह भी बताया है कि वो आगे क्या करने वाला है। आप भी हर दिन प्रार्थना में उसे अपनी गहरी भावनाएं बता सकते हैं। जैसे जैसे आप यह करेंगे, परमेश्वर के साथ आपकी दोस्ती और भी गहरी होती जाएगी। याकूब 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर के करीब आओ और वह तुम्हारे करीब आएगा। अरे पापियों, अपने हाथ धोवो, और शक करने वालों, अपने दिलों को शुद्ध करो। सेकंड स्टेप, हमें क्या करना होगा ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने। क्या परमेश्वर हमारी सभी प्रार्थनाएं सुनता है? नहीं। यशाया के दिनों में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम चाहे जितनी भी प्रार्थना कर लो, मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। अगर हम सावधान ना रहे तो हम कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिससे परमेश्वर को नफरत है, और इस वजह से वह हमारी प्रार्थनाएं सुनना बंद कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुने, तो यह जरूरी है कि हम उस पर विश्वास करें। मरकुस 11:24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। पौलुस ने समझाया, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है, क्योंकि जो उसके पास आता है उसे यकीन करना होगा कि परमेश्वर सचमुच है और वह उन लोगों को इनाम देता है जो पूरी लगन से उसकी खोज करते हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि हमें विश्वास है, हमें हर दिन परमेश्वर की आज्ञा मानकर दिखाना होगा कि हमें वाकई विश्वास है। थर्ड स्टेप, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब कैसे देता है। क्या परमेश्वर सचमुच हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है? हाँ, देता है। बाइबल में उसे प्रार्थना का सुनने वाला कहा गया है। भजन संहिता 5:2 में लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों और धरती पर अपने सेवकों के जरिए हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे आपके बारे में जानना है, या आप मुझे बाइबल समझने में मदद दे, और इसके कुछ ही समय बाद परमेश्वर का एक साक्षी उनसे मिलने आया। बाइबल बताती है कि स्वर्गदूतों की निगरानी में परमेश्वर के राज की खुशखबरी पूरी दुनिया में सुनाई जा रही है। इसके अलावा हम में से कई लोगों ने अनुभव किया है कि जब हमने परमेश्वर से अपने किसी परेशानी या जरूरत के बारे में प्रार्थना की, तो उसके फौरन बाद एक मसीही भाई या बहन ने हमारी मदद की। जब हम किसी परेशानी का सामना करने के लिए उससे मदद मांगते हैं, तो वह अपने पवित्र शक्ति के जरिए हमें सही राह दिखाता है
और हमें ताकत देता है। परमेश्वर बाइबल के जरिए भी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है और हमें सही फैसले करने में मदद देता है। वह कैसे? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो शायद हमें कोई ऐसी आयत मिल जाए जो हमारी मदद कर सकती है। परमेश्वर सभाओं में से भी किसी भाई या बहन को ऐसा जवाब देने के लिए उभार सकता है जो हमारे लिए फायदेमंद है, या फिर वह मंडली में अगुवाई करने वाले किसी भाई या बहन से भी बाइबल में से हमें कुछ सलाह देने के लिए उभार सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो तीन इम्पोर्टेंट स्टेप जो हर एक मसीह भाइयों बहनों को जाना बहुत जरूरी था। सबको जय मसीह की।